नमस्कार, मैं अश्वानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गया जी डैम के नाम से जाना जाएगा फल्गु नदी पर बना रबर डैम। इस दिन तक दूर हो जाएगी स्मार्ट प्रीपेड मीटर संबंधित समस्याएं। चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान, ऐसे लोग नहीं लड़ सकते हैं नगर पालिका चुनाव। भाजपा ने मणिपुर में जदयू को दिया जोरदार झटका। टीम इंडिया को रिजवान की चेतावनी। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। गया जी डैम के नाम से जाना जाएगा फल्गु नदी पर बना रबर डैम। गया में लगने वाले विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले को लेकर राज्य भर में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। खुद नीतीश कुमार गया जाकर सुविधाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं जल संसाधन तथा सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा ने गया में प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के निकट फल्गु नदी में जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित बिहार के पहले तथा देश के सबसे बड़े रबर डैम का स्थल निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि यह रबर डैम अब लोकार्पण के लिए तैयार है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगामी 8 सितम्बर को इसका उद्घाटन करके इसे जनता को समर्पित करेंगे, क्योंकि 9 सितंबर से पितृपक्ष मेला का शुभारंभ होने जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर इसे गयाजी डैम नाम दिया गया है। टीटी शिक्षक अभ्यर्थी पर लाठीचार्ज की जांच हुई पूरी। हाल ही में बीते महीने के 22 तारीख को प्रदर्शन के दौरान टीईटी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें एक अभ्यर्थी पर लाठीचार्ज के मामले में पटना के एटीएम लपेटे में आ गए, क्योंकि उनका एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें वो एक टीईटी अभ्यर्थी को बेरहमी से मार रहे थे। मामला गंभीर होने के बाद इस पर जाँच बैठाई गई, जिसकी रिपोर्ट बीते दिन पटना डीएम के पास पहुँच गई है। जाँच के लिए बनाई गई कमेटी ने मामले में एडीएम कृष्ण कन्हैया प्रसाद सिंह उर्फ केके सिंह को जरूरत से ज्यादा आक्रामक और सतर्क होने का दोषी पाया है। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद अब पटना डीएम ने एडीएम से 1 सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा है। इस दिन तक दूर हो जाएगा स्मार्ट प्रीपेड मीटर संबंधित समस्याएं। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने के बाद से राज्य सरकार के राजस्व में भले ही बढ़ोतरी हुई हो, लेकिन इससे आम लोगों की परेशानियां जरूर बढ़ गई हैं। रिचार्ज का झंझट, साइबर ठगों का डर, कब बिजली चली जाए उसकी चिंता, उपभोक्ताओं के इन तमाम परेशानियों के बीच ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव सब बिजली कंपनियों के CMD संजीव हंस ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर से जुड़ी कंपनियों को बिजली उपभोक्ताओं की समस्याएं हर हाल में 30 सितंबर तक दूर करने का निर्देश दिया है। मंत्रालय के देश भर की डिस्कॉम कंपनियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद उन्होंने बीते दिन स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाली कंपनियों के साथ बैठक की। उन्होंने कंपनियों से कहा कि वे स्मार्ट प्रीपेड मीटर में उपभोक्ताओं को आ रही समस्याओं का ससमय निदान करें, उपभोक्ताओं को 3 दिनों के अंदर वेलकम मैसेज मिले यह सुनिश्चित किया जाए, एजेंसी को 2 महीने के अंदर नॉन कम्युनिकेटिव मीटरों की समस्या को दूर करने का आदेश दिया गया है। ठनके की चपेट में आने से 8 लोगों की गई जान, सीएम ने जताया शोक। राज्यभर में वज्रपात और बाढ़ ने कहर बरपाया हुआ है। बिहार में ठनके की चपेट में आने से अलग अलग जिलों में 8 लोगों की जान चली गई है। वहीं गंगा नदी में स्नान करने के दौरान डूबने से 5 लोगों की भी जान चली गई। गया में 5, जहानाबाद में 2 और औरंगाबाद में 1 व्यक्ति की जान ठनका गिरने से चली गई है। गया के डोभी प्रखंड की 2 जगहों पर ठनके से 4 लोगों की जान चली गई। 2 महिलाएं बुरी तरीके से झुलस गई। ठनका से 8 लोगों की मृत्यु पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मर्माहत हैं। उन्होंने प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने सभी मृतक के परिजनों को तत्काल 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान राशि देने का निर्देश दिया है। साथ ही ऐसे मौसम को देखते हुए प्रदेशवासियों को सचेत रहने के लिए कहा गया है। भाजपा ने मणिपुर में जदयू को दिया जोरदार झटका। भाजपा ने नीतीश कुमार को एक बार फिर से बड़ा झटका दिया है। राष्ट्रीय पार्टी बनने के सपने देख रहे जदयू को भाजपा ने मणिपुर में बड़ा झटका दिया। आपको बता दें कि मणिपुर में जदयू के 5 विधायक बीते दिन सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल हो गए। दरअसल मणिपुर में भाजपा से अलग होकर सरकार में दिए अपना समर्थन वापस लेने की तैयारी में थी। वहीं शुक्रवार को बीजेपी ने बड़ी सर्जरी करते हुए जदयू के 5 विधायकों को अपनी पार्टी में मिला। अगर सियासी समीकरण की बात करें तो मणिपुर में भाजपा के पास जदयू समेत 55 विधायकों का समर्थन था। जदयू के 6 विधायक इसमें शामिल थे, जिनमें से 5 विधायक को भाजपा ने अपने में शामिल कर लिया है। जदयू ने इस साल मार्च में ही विधानसभा चुनाव में 38 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें से 6 ने जीत दर्ज की थी। चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान, ऐसे लोग नहीं लड़ सकते हैं नगर पालिका चुनाव। राज्य में अगले महीने नगर निकाय चुनाव होना है और इससे ठीक 1 महीने पहले चुनाव आयोग ने बड़ा ऐलान किया है। चुनाव आयोग ने बीते दिन पत्र जारी करते हुए कहा कि जिनको 2 से अधिक संतान हैं, वे किसी को कानूनी रूप से अपने बच्चे को दूसरे को गोद देकर भी नगर पालिका चुनाव लड़ने के योग्य नहीं बन सकते हैं। चुनाव आयोग इस संबंध में सभी जिलों को पत्र जारी कर दिया और ऐसे में स्पष्ट किया जाता है कि किसी
भी व्यक्ति के बच्चे को दूसरे को कानूनन रूप से गोद दे दिए जाने के बाद भी उस संतान के पिता मूल रूप से वही कहे जाएंगे जो बायोलॉजिकल है, न कि जिस व्यक्ति ने गोद लिया है। किसी व्यक्ति विशेष अभ्यर्थी समर्थक प्रस्तावक के द्वारा अपने बच्चों को गोद दिए जाने के बाद भी उनके वास्तविक बच्चों की संख्या में कोई कमी नहीं मानी जाएगी, वैसे व्यक्ति चुनाव लड़ने के अयोग्य माने जाएंगे। हालांकि इसका लाभ उन लोगों को मिल सकेगा जिन्होंने अपनी दो संतानों के अलावा दूसरे किसी के बच्चे को गोद ले रखा है। इन 10 जिलों में वज्रपात को लेकर मौसम विभाग ने किया अलर्ट। राज्य में मौसम ने एक बार फिर करवट लिया है। इसके बाद राज्य भर में बारिश का दौर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। इसी के साथ राज्य के अधिकतर जिलों में आज सुबह बारिश के तेज बौछारों ने भिगोया। राजधानी पटना की बात करें तो सुबह 10 बजे के आसपास थोड़े देर के लिए ही सही अच्छी बारिश देखने को मिली। लोगों ने गर्मी से भी राहत पाई, हालांकि बाद में उमस भरी गर्मी ने लोगों को सताया। वहीं मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज देर शाम तक छपरा, आरा, हाजीपुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा समेत अन्य जगहों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश होने के आसार हैं। कुछ इलाकों में ठनका गिरने की भी आशंका है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर लोगों को सावधान रहने के लिए कहा है। लोगों से खराब मौसम में खुले में न निकलने की अपील की गई है। बेऊर जेल में बंद अनंत सिंह की अचानक बिगड़ी तबीयत। बेऊर जेल में बंद बाहुबली राजद नेता व मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह की सेहत एक बार फिर से अचानक बिगड़ गई। उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद बीते दिन जेल प्रशासन ने उन्हें पटना के PMCH अस्पताल ले गए। दोपहर में उन्हें यहां भर्ती कराया गया। कुछ घंटे इलाज होने के बाद उनकी सेहत में सुधार हुई और डिस्चार्ज कर दिया गया। इसके बाद अनंत सिंह को वापस जेल ले जाया गया। बता दें कि अनंत सिंह अपने आवास से बरामद AK-47 मामले में सजा काट रहे हैं और उनकी विधायकी भी अब चुकी है। जेल में सजा काट रहे अनंत सिंह की तबीयत इससे पहले भी बिगड़ी थी। जुलाई में उन्हें गले में संक्रमण और अन्य शारीरिक परेशानी की शिकायत के बाद अस्पताल लाया गया था। सफाई कर्मचारियों की जारी रहेगी हड़ताल मांगों। गुरुवार को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई करते हुए संजय करोल की खंडपीठ ने नगर निकाय कर्मियों की सभी मांगों पर नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर के साथ सहमति बनाने को कहा गया था। कोर्ट ने कहा था कि सफाई कर्मियों की कुछ मांगे न्याय संगत है, इस पर सरकार विचार करे। इसके बाद बिहार लोकल बॉडीज कर्मचारी संघर्ष मोर्चा और बिहार स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के नेताओं की निकाय कर्मियों के साथ हुई बैठक में हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया गया है। बिहार लोकल बॉडीज कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश पर निकाय कर्मियों के 11 सूत्री मांगों को लेकर हुई वार्ता में प्रधान सचिव ने पहले से सहमत बिंदुओं को भी मानने से इनकार कर दिया है। वार्ता के दौरान प्रधान सचिव ने कहा कि आपकी बातों को सुन लिया गया है, सरकार एक माह के बाद अपना निर्णय देगी। वहीं शहर में अभी भी जहां तहां कचरे का फैलाव देखने को मिल रहा है, लोगों का रास्ते से गुजरना दूभर हो गया है। जदयू की टूट पर जीतन राम मांझी की बीजेपी को चुनौती। मणिपुर में जदयू विधायकों के दल बदलने को लेकर बिहार के पूर्व CM और हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने शनिवार को ट्वीट कर कहा कि आप किसी दल के विधायक को डराकर, समझा बुझाकर, लालच देकर या ब्लैकमेल कर अपने साथ ले जा सकते हैं, लेकिन उससे जनादेश आपके साथ नहीं जा सकता है। अगर सच में आप सिद्धांत की बात करते हैं तो उन विधायकों से इस्तीफा दिलाकर उन्हें चुनावी मैदान में भेजिए। जनता तय कर देगी कि वह किन के साथ हैं। मनोज तिवारी सहित इन 9 भाजपा विधायकों पर हुआ FIR दर्ज। भाजपा सांसदों पर हवाई अड्डा पर सुरक्षा मानकों से खिलवाड़ करने के आरोप में FIR दर्ज किया गया है। दरअसल 31 अगस्त को दोपहर 1:50 में दिल्ली से देवघर एयरपोर्ट पर एक चार्टर प्लेन उतरा। उसमें सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और कपिल शर्मा के अलावा शेषाद्री दुबे, सुनील तिवारी समेत कुछ अन्य लोग थे। शाम 5:30 प्लेन के यात्री वो उनके छोड़ने वाले वापस एयरपोर्ट पर पहुंचे। हालांकि प्लेन टेक ऑफ नहीं कर सकती थी क्योंकि एयरपोर्ट में नाइट टेक ऑफ लैंडिंग और IFR सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण ATS से क्लियरेंस संभव नहीं था। सांसद निशिकांत दुबे वो मनोज तिवारी सहित अन्य ATC रूम में पहुंचे और जल्द क्लियरेंस के लिए दबाव बना रहे थे। इसी को लेकर निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी सहित 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जदयू मुक्त बिहार वाले बयान पर भड़के ललन सिंह। बिहार में भाजपा और जदयू का मोह भंग होने के बाद अब मणिपुर में भी इसकी हवा लग गई है, जिसके बाद भाजपा जदयू के 6 विधायकों में से 5 विधायकों को अपने साथ शामिल कर लिया है। इसी पर पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने जदयू पर तंज कसते हुए ट्वीट कर लिखा कि अरुणाचल के बाद मणिपुर भी जदयू मुक्त, बहुत जल्द लालू जी बिहार को भी जदयू मुक्त कर देंगे। इस पर ललन सिंह भड़क गए और उन्होंने लिखा, आपको स्मरण कराना चाहते हैं कि अरुणाचल और मणिपुर दोनों जगह जदयू ने भाजपा को हराकर सीटें जीती थी, इसलिए जदयू से मुक्ति का दिवा स्वप्न मत देखिए। अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ था वह आपके गठबंधन धर्म के पालन के कारण हुआ था और मणिपुर में एक बार फिर भाजपा का नैतिक आचरण सबके सामने है। आपको तो याद होगा 2015 में प्रधानमंत्री जी ने 42 सभाएं की, तब जाकर 53
सीट ही जीत पाए थे। 2024 में देश जुमलेबाजों से मुक्त होगा, इंतजार कीजिए। रिंग बांध टूटने से 100 से ज्यादा घरों में घुसा पानी। बिहार के बदले हुए मौसम के मिजाज की वजह से खगड़िया जिला में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जिले के परबत्ता प्रखंड के जोड़ावरपुर पंचायत के नया गांव कजलबन वार्ड नंबर 17 का एक रिंग बांध टूट गया है। इस इलाके भर में पानी भर गया है। बांध टूटने से करीब 100 घरों में पानी घुस गया है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में पशुओं के चारे की भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। ग्रामीणों ने कहा कि इतना कुछ होने के बावजूद भी प्रशासन की ओर से बाढ़ पीड़ितों की कोई मदद नहीं की जा रही है। टीम इंडिया को रिजवान की चेतावनी। बाबर आजम की अगुवाई वाली पाकिस्तान ने अपने दूसरे और अंतिम ग्रुप मैच में हांगकांग को 155 रनों से हरा दिया और इस जीत के साथ टीम ने सुपर चार के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब सुपर चार में उनका सामना एक बार फिर चीर प्रतिद्वंदी भारत से होगा। इस हाई वोल्टेज मुकाबले से पहले पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। मोहम्मद रिजवान ने कहा कि यह सबके सामने है कि जब भारत और पाकिस्तान भिड़ते हैं तो हमेशा दबाव होता है। पूरी दुनिया में लोग इस संघर्ष की प्रतीक्षा करते हैं और भारत और पाकिस्तान के बीच मैच सभी के लिए एक फाइनल मैच की तरह लगता है। मुझे लगता है कि हमें इसे बनाए रखने की जरूरत है, जितना हो सके सामान्य मैच करें। पाकिस्तान का आत्मविश्वास ऊंचा है, किसी भी प्रतिद्वंदी के लिए तैयार है। देशभर में आए 10,000 से भी कम कोरोना के मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज यानी शनिवार को जारी किए गए कोरोना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 7,219 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बिहार की बात करें तो यहां बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटों के आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण के मामले में मामूली कमी आई है, जिसके बाद राज्य भर के कुल 119 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहां सबसे अधिक 59 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल 109,602 कोरोना सैंपल की जाँच की गई है, जहां 170 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है प्रवीण कुमार, रंजीत मिश्रा, अनवर करीम खान, राम कुमार सिंह, बाबूलाल मरांडी, सलीम भाई, पवन सिंह, कुमार कौशल सिंह, सोनू कुमार और के सिन्हा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि निकाय चुनाव में 2 से अधिक बच्चों के माता पिता को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं देने का फैसला उचित है या नहीं। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।